अब हम क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट नंबर टेन सॉल्व करेंगे इसके अंदर भी हमें एक इक्वेशन जो नॉन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है वो गिवन है हम ये करेंगे स्टेप वन के अंदर इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे जो सॉल्यूशन आएगा फिर हम स्टेप टू के अंदर उसको वेरीफाई करेंगे आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वन इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर वन क्रॉस मल्टीफ्लाई कर दें टू इन ऊपर आ जाएगा फोर एक्स प्लस एट थ्री एक्स प्लस सिक्स नीचे थ्री एक्स टू एक्स प्लस फोर प्लस सिक्स टू एक्स प्लस फोर वन ओवर सिक्स ऊपर आ जाएगा सेवन एक्स फोरटीन नीचे आएगा सिक्स एक्स स्क्र ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स ट्वेंटी फोर वन ओवर सिक्स सिक्स एक्स स्क्वेयर ट्वेंटी फोर एक्स ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स सेवन कामन आ गया एक्स प्लस टू नीचे सिक्स कॉमन ले लें एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फोर और ये वन ओवर सिक्स ये सिक्स कैंसिल हो गया सेवन एक्स प्लस टू वन ओवर वन सेवन एक्स प्लस फोटीन एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फोर ज़ीरो एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स प्लस फोर माइनस सेवन एक्स माइनस फोरटीन जीरो एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस टेन अब इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसको देखें हम यू लिख सकते हैं एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो पर देखें वन है और वहां टेन है हमें दो ऐसे नंबर चाहिए इसके जो कॉफिशेंट हैं यहां देखा जाए तो एक्सयर का जो कॉफिशेंट है वन है और उधर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट है वो माइनस टेन है मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारे पास माइनस टेन आना चाहिए लेकिन जब उनको मैं ऐड करूं तो आंसर मेरे पास है माइनस फाइव अच्छा, के साथ तब भी माइनस टेन और जब मैं टू को ऐड करूंगा माइनस फाइव में तो आंसर माइनस है थ्री तो ये मेरी रिक्वायर्ड टर्म्स हैं एक्सर प्लस टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो आ गया, प्लस टू माइनस फाइव कामन आ गया एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एक्स प्लस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हमने इसको हमने मिड टर्म मैथड से सॉल्व किया है और दो फैक्टर्स आ गए हैं अब जो पहली वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू माइनस टू दूसरी वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू फाइव स्टेप टू स्टेप टू के अंदर हम वेरीफाई करेंगे जो एक्स की पहली वैल्यू है और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम वेरीफाई करेंगे पहले हम x इक्वल टू माइनस टू पुट करके चेक करते हैं पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन नंबर वन वन पुट कर दें इक्वेशन जो वन है वो देखें वो ये थी इक्वेशन वन थी इसमें पुट करके चे करते हैं टू ओवर थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स प्लस वन ओवर टू इंटू माइनस टू प्लस फोर इसको मस्ट वन ओवर सिक्स के इक्वल होना चाहिए टू ओवर माइनस x प्लस सिक्स प्लस वन ओवर माइनस फोर प्लस फोर वन ओवर सिक्स ये कैंसिल हो गए टू ओवर जीरो भी कैंसिल हो गए वन ओवर जीरो और ये आ गया वन ओवर सिक्स आ गया ये तो अनडिफाइंड हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वहां पर टू डिवाइड बाई जीरो आ रहा है और फिर नेक्स्ट में वन डिवाइड बाई जीरो आ रहा है एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो अनडिफाइंड तो ये इसका हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आ रहा इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू माइनस टू इसका रूट नहीं है अब हम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू फाइव नॉट पॉसिबल अनडिफाइंड हो गया इसका जो अल्सियम आएगा 42 आएगा ऊपर 4 प्लस थ्री और ये 1 ओवर 6 7 ओवर 42 टू इक्वल टू वन ओवर सिक्स एम्प्लाईज कैंसिल कर दें वन और ये सिक्स तो वन ओवर सिक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स हमने देखा कि जब x इक्वल टू माइनस टू पुट किया आंसर नॉट डिफाइंड आया लिहाजा वो इसका रूट नहीं है लेकिन जो ही जब हमने एक्स इक्वल टू फाइव पुट किया वेरीफाई हो गया सो एक्स इक्वल टू माइनस टू इज नॉट रूट ऑफ वन बट एक्स इक्वल टू फाइव इज सोल्यूशन ऑफ वन जब हमने वेरीफाई किया तो हमने देखा x इक्वल टू माइनस टू इसका सोल्यूशन नहीं है एक्स इक्वल टू फाइव जो है वो इसका सोल्यूशन है इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है